With our statue. It's a damn beautiful yard. That is world's highest restaurant. Altitude 15,049 feet above sea level. Okay, I'm currently at world's highest post office. अब पता नहीं पिछली बार मैंने कब पोस्ट किया था, लेटर या पोस्ट कार्ड या टेलीग्राम किसी को, आई डोंट इवन रिमेम्बर दैट। क्या लैंडस्केप है यार ये। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून फ्रॉम गाजा। टाइम राइट नाउ इज 1:05। आज गुड मॉर्निंग की बजाय गुड आफ्टरनून बोलना पड़ रहा है। कल रात को सोते सोते बहुत लेट हो गया था, थोड़ा सा फीवरिश था कल रात को, एंड बाय द टाइम आई फेल अस्लीप वाज वे टू लेट, और उसी वजह से जल्दी आज उठ भी नहीं पाया हूँ मैं। एंड उसी वजह से आज का जो पूरा प्लान था, यू नो, लांगजा कॉमिक हिकिम और इफ पॉसिबल की मॉनेस्ट्री बीच कवर करने का प्लान था, बट अनफॉर्चुनेटली वो आज हो नहीं पाएगा। प्लान फिलहाल ये है कि ट्राई टू कवर टू प्लेसेस एटलीस्ट, ताकि कल के लिए दो रह जाए, एक तो की मॉनेस्ट्री एंड द अदर वन आई डोंट नो हिकिम या कॉमिक, जो भी होगा, डिपेंड्स ऑन द रूट कि कौन सा पहले आ रहा है कौन सा नेक्स्ट आ रहा है, वो तो अभी ऑन द वे ही पता चलेगा कि कैसे जाएगा ये। तो निकलते हैं अभी, थोड़ा बहुत कुछ पेट पूजा करते हैं एंड फटाक से निकलते हैं यहाँ से। मुझे वैसे हैवी कुछ खाने का मन तो नहीं है, इफ पॉसिबल ब्रेड ऑमलेट और मे बी जस्ट अ कप ऑफ टी एंड देन आई विल पुश ऑफ। आई विल सी यू गाइस ऑन द रोड। पहला एक टर्न मिलेगा, उस टर्न से आपको डायरेक्शंस मिल जाएंगे। वहाँ पे बोर्ड है जिससे इस पे मेंशन किया गया है कॉमिक हिकिम और लांगजा, ये तीनों इसी रोड पे पड़ेंगे। तो यू हैव टू टेक अ टर्न, यू हैव टू टेक अ राइट टर्न। ओह मैन, दिस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल मैन, क्या खूबसूरत है जगह यार, जगह ही। कहते हैं ये जो सामने पहाड़ है, ये तीनों विलेजेस पहाड़ के पीछे हैं। क्या ब्यूटीफुल रोड्स है ये, तभी तो इन तीनों जगहों की इतनी तारीफ की जाती है, कॉमिक हिकिम और लांगजा। बहुत ही सीनिक है। कॉमिक इज 21 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, ठीक है। वाओ, ये रोड जो है सीधा जाता है। बिल्कुल अच्छे कंडीशन में है, तो डिस्टेंस कवर करने में शुड बी अ प्रॉब्लम। नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि देखने का मन भी करता है, लेकिन रोड से नज़र हटा भी नहीं सकते, बहुत रिस्की है। तो लेट माई गोप्रो कैप्चर द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस एंड मैं नज़र रखता हूँ रोड पे। वाओ, क्या लैंडस्केप है यार ये। चेक आउट द व्यू गाइस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इतनी खूबसूरती है। एक साइड पे ब्राउन माउंटेंस विद हल्की सी हरियाली, एंड ऑन द अदर एंड थोड़ा सा अगर आगे देखेंगे आप तो ब्राउन माउंटेन्स विद स्नो ऑन टॉप। वाओ यार, क्या ब्यूटीफुल व्यू है स्पीति वैली की यहाँ से। कॉमिक इज 14 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। ठंड बढ़ रही है यार, जैसे जैसे हाइट पे जा रहे हैं तगड़ी ठंड हो रही है। फिर
ब्यूटी है। Freak, this is absolutely mind blowing yaar. Wow, view dekh lo guys. Oh man, pahadon ke bilkul niche chhota sa gaon and Buddha ka murti wahan pe. Wow, jitna dekho utna kam hai ye nazara. Right behind the Buddha statue. It's a damn beautiful yard, this whole location. इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है. और ऐसे location पे Buddha का statue, overlooking the valley. It's absolutely breathtaking. वो जो है दैट इज कॉमिक विलेज, नीचे साइड में भी लोग रहते हैं वहाँ पे. एंड दिस इज द वे, चेक आउट दोस पीक्स गाइस. सो ब्यूटीफुल, सो 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 सो. Fact about Langsa. Langsa of course Buddha statue के लिए तो famous है ही. उसके अलावा इसको fossil village भी बोलते हैं. And the fact कि यहाँ पे बहुत सारे fossils मिलते हैं, पहले बहुत मिलते थे, अभी थोड़े से कम हो गए, but then आज भी मिलते हैं fossils. Luckily यहाँ पे अभी जो मैं snacks खा रहा था उनके पास कुछ fossils हैं. So let me show you guys. Hold on. As you can see, बहुत पुराना फॉसिल है ये, पता नहीं कितना पुराना होगा, not sure. But maybe आप इसका you know जो शेप वगैरह है उसको आप देख सकते हैं. It's beautiful. All right, so अभी just मैं निकला हूँ यहाँ से. ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट नहीं, हल्का सा स्नैक खा लिया, ब्रेड ऑमलेट और आइस चाय. एंड सच में यार ये विलेज बहुत खूबसूरत है, स्पेशली जो बुद्धा का लोकेशन है जहाँ पे उसको स्थापित किया गया है. इट्स माइंड ब्लोइंग, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है. एंड यहाँ पे आई जस्ट पिक्ड अप अ कपल ऑफ की चेन्स एंड सम अदर स्टफ, बिकॉज यार मुझे लगता है ना कि ऐसे जगह पे जब आओ तो जितना हो सकता है ट्राई टू सपोर्ट द लोकलाइट्स परचेसिंग समथिंग और द अदर, बिकॉज वैसे भी ये ऑप्शन ही होता है, मतलब सीज़न होता है, सिर्फ सीज़न के टाइम पे ही वो लोग बेच सकते हैं. एक बार सीज़न ख़त्म तो देन दिस विलेज गेट्स कट ऑफ कम्प्लीटली. तो सी कि अगर आप यहाँ पे आओ तो जितना हो सके उतना सपोर्ट करो बेटा. दैट्स कॉमिक, ऑलमोस्ट रीच्ड. देखते हैं जाके थोड़ा सा वर्ल्ड हाईएस्ट कैफे. ओके, वर्ल्ड हाईएस्ट कैफे है, दिस इज वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज एंड यस डेस्टिनेशन कॉमिक. That is world's highest restaurant.
altitude 15,049 feet above sea level. Right, done with snacks and coffee at world's highest cafe. Bahut bheed hai yaar, bahut bheed hai. Kuch bhi order karo, wait karna padta at least 15-20 minutes. But this place is absolutely beautiful, bahut hi sundar. And having a cafe at this altitude, not bad. I mean, the food is good. Thoda sa time lagta, but it's nice. Food is nice. So it was good. So yahan pe just aur ek cheez hai. We are at a very high altitude right now. I think Spiti Valley ka ye highest altitude so far hoga. तो जब आप चलते हो, यू नो, या थोड़ा सा फिज़िकल कुछ करते हो तो थोड़ा सा फील होता है, मतलब सांस की कमी महसूस होती है थोड़ी सी. इट टेक्स सम टाइम टू गेट यूज टू इट. तो नॉट गोना स्टे बैक फॉर टू लॉन्ग. इट्स 3:45. मुझे अभी जाके हिकिम भी कवर करना है. एंड मैंने सुना है हिकिम के बाद में एक शॉर्टकट है जो काजा के पास यू नो कनेक्ट करता है. तो लेट मी सी, आई विल गो देयर एंड आई विल एक्सप्लोर इफ इट्स अ गुड ऑप्शन टू टेक दैट और should I stick to the main road. देखते हैं जो भी है, I'll decide once I reach that spot. कॉमिक से जब वापस आते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा टर्न है और ICICI का एक बोर्ड भी है. वो जो सामने दिख रहा है, दैट इज़ हिकिम, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस. तो अभी ये रास्ता थोड़ा सा कच्चा है, यही लेके निकलेंगे हिकिम विलेज. यहाँ पे वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है हिकिम में. यहाँ पे एक फोटो लेना तो बनता ही है. ओके, आई एम करंटली एट वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस. पता नहीं पिछली बार मैंने कब पोस्ट किया था, लेटर या पोस्ट कार्ड या टेलीग्राम किसी को, आई डोंट इवन रिमेम्बर दैट. बट ये एक ओकेजन है तो जाते हैं, एक लेटर पोस्ट करते हैं अपने घर पे. बहुत सारे कार्ड यहाँ पे मिलते हैं तो उनमें से एक कार्ड पोस्ट कर देंगे घर पे. एंड या इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. मतलब मुझे लग रहा था जब सुबह काजा से निकला था मैं, मुझे लग रहा था कि यू नो ये अलग अलग जगहों पे होंगे, लांगजा, कॉमिक, हिकिम. बट टर्न्स आउट ये सारे एक ही रोड पे हैं. you know, पहले आपको मिलेगा लांगजा, देन हाईएस्ट कैफे विच इज़ कॉमिक, और दिस इज हिकिम, हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस. सो आज सभी हाईएस्ट हाईएस्ट हो रहा है, विच इज़ नाइस. तो अभी चाहते हैं फटाक से पोस्ट कार्ड पोस्ट करते हैं एंड देन निकलते हैं. टाइम राइट नाउ इज़ अराउंड 4ish. तो घर पहुँचते पहुँचते, मतलब काजा रूम पहुँचते पहुँचते 5 तो बज जाएगा. बोल तो रहे हैं कि यहाँ से कच्चा रास्ता है, शॉर्टकट, बट आई डोंट नो, लुकिंग एट द करंट कंडीशन, मतलब मेन रोड से जब यहाँ तक आया मैं तो बहुत ही बुरे कंडीशन में है ये रोड. सो आई एम गेसिंग इसी कंडीशन में बाकी का भी रोड होगा. तो आई डोंट वांट टेक अ रिस्क, माइट एज वेल ट्रैवल बैक लाइक 5 किलोमीटर्स ऊपर मेन रोड तक एंड फ्रॉम देयर टेक अ गुड रोड एंड हेड बैक टू काजा. थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है. कितनी बात कर रहे हैं आज, मैक्सिमम एट द मैक्स 40 किलोमीटर्स. आई थिंक दैट्स फाइन यार, मेन रोड लेना इज अ बेटर ऑप्शन. अब पोस्टिंग दीज कार्ड्स यहाँ से, कुछ तो लोगों ने खुद का किया होगा. कार्ड्स जो ले लिया नीचे से, अब इन सारों पे एड्रेस लिख के पोस्ट कर दूंगा. ऑलराइट, फाइनली लेटर्स, मैंने एड्रेस वगैरह सब लिख दिया है एंड देन I've stuck the stamps as well. यानी यार बहुत सारी पुरानी यादें यहाँ वापस आ रही है. जब यू नो स्कूल में एक प्रोग्राम आता था पहले सुरभि करके, उसमें क्विज कॉम्पिटिशन हुआ करता था जिसमें हम वी यूज़ टू यू नो सेंड द आंसर्स वे ऑफ पोस्ट कार्ड्स. तो वो सारी चीज़ें याद आ गई आज. बट या इट्स अ गुड फीलिंग. तो आई रिटन द एड्रेस एंड एवरीथिंग. मैंने लिए तो ज़्यादा हैं बट यू नो फिलहाल दो ही पोस्ट कर रहा हूँ, दो साथ में लेके जाऊंगा. आई विल सी.
done with the activities. और अभी मैं जा रहा हूँ towards my bike. मैं वैसे सोच रहा था जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से जाऊँगा, बट यहाँ के लोकल्स बोल रहे हैं कि ये जो कच्चा रास्ता है इट्स नॉट दैट बैड, मैनेज कर सकते हैं. इट्स अराउंड 4 to 5 kilometers और वहाँ से ओवरऑल जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है. एंड देन इट्स अ नाइस व्यू पॉइंट एज वेल इट सीम्स. एंड देन जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं सभी निकलेंगे इसी तरह से. सो आई एम थिंकिंग आई विल टेक दिस रोड, देखते हैं एक बार कैसे होता है. ऑलराइट गाइस, टाइम राइट नाउ इज 9:05 PM एंड मैंने सोचा आज का व्लॉग यहीं पे क्लोज कर देते हैं. भूख लग रही है, थोड़ा सा फ्यूरिश अभी भी है, तो आई माइट रेस्ट अगेन टुमारो. कल का तो एक ही है बस, की मॉनेस्ट्री विच इज अराउंड 15 kilometers वन साइड, तो वो कवर कर लूँगा. उसके अलावा कल का दिन थोड़ा बहुत रेस्ट करूँगा एंड देन डे आफ्टर टुमारो आई स्टार्ट टू चंद्रताल एंड देन फ्रॉम चंद्रताल टू मनाली. तो दैट सेड, मेरा जो स्पीति वैली का ट्रिप है ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो रहा है, होने ही वाला है. इन just take a halt and then I'll be back to Manali and then from there Bangalore. So let's see kal ka din kaise jata hai. I'll see you guys tomorrow. Till then take care.